इस वक्त की बड़ी खबर है, नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थगित की है प्रवेश परीक्षा, नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा कल यानी कि 23 जून को आयोजित होनी थी, लेकिन एग्जाम की डेट से ठीक एक दिन पहले नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की ओर से जल्द ही प्रवेश परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल छात्रों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित नीट पीजी प्रवेश परीक्षा की पूरी प्रोसेस का बारीकी से मूल्यांकन करने का फैसला लिया है, लिहाजा एहतियात के तौर पर कल यानी 23 जून 2024 को आयोजित होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। वहीं पेपर लीक मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटाया गया है, बिहार ईओयू की रिपोर्ट के बाद हटाया गया है। प्रदीप सिंह खरोला को अब जिम्मेदारी मिली है। एनटीए ने नीट और यूजीसी नेट की परीक्षा को आयोजित किया था और यहां पर अब ये एक्शन लिया गया है, सरकार के द्वारा ये बड़ा एक्शन लिया गया है। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटाया गया है। तो एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को यहां पर हटाया गया है, प्रदीप सिंह खरोला नए डीजी बनाए गए हैं। तो एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटाया गया है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रदीप सिंह को अब जिम्मेदारी सौंपी गई है। बरेली फायरिंग से जुड़ी बड़ी खबर है, पीड़ित की तहरीर पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में 2 लाख रुपए और मोबाइल लूटने के अलावा फायरिंग करने के दौरान आग जलाकर मारने का प्रयास किया गया। पुलिस ने बिल्डर राजीव राणा समेत 150 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। एफआईआर में पूर्व विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल भी शामिल हैं। इज्जतनगर थाना क्षेत्र में प्लॉट पर कब्जा करने के दौरान आगजनी, तोड़फोड़ और फायरिंग से हड़कंप मचा था। रायबरेली में गंगा स्नान करने गए 3 नाबालिग छात्र नदी में डूब गए। इस दौरान एक तैरकर बाहर निकल आया, जबकि 2 लापता हैं। मामला गदागंज थाना क्षेत्र के प्रयागपुर गंगा घाट का है। पास के ही रहने वाले 3 नाबालिग नदी में स्नान करने पहुंचे थे। नहाते समय एक डूबने लगा तो उसे बचाने के लिए 2 अन्य छात्र आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर तीनों डूबने लगे, जिसके बाद फहद नाम का छात्र किसी तरह तैरकर किनारे आ गया, जबकि 2 छात्र डूब गए। खबर अमरोहा से है, जहां पर नहर में 3 दिन पहले डूबे युवक की तलाश अभी भी जारी है। आज दिन भर एसडीआरएफ की टीम भी युवक की तलाश में लगी रही, मगर कामयाबी नहीं मिली। बता दें कि 3 दिन पहले अमरोहा शहर के कुछ युवक नहर में नहाने के लिए आए थे। इस दौरान एक युवक नहर में डूब गया, जिसको स्थानीय गोताखोरों ने काफी तलाश किया, लेकिन जब युवक का कुछ पता नहीं चला तो आज प्रशासन ने एसडीआरएफ टीम को मौके पर बुलाया। अमरोहा में पुल पर कार बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ने के बाद ई रिक्शा से जा टकराई। हादसे में ई रिक्शा चालक और कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामला गचरौला का है, जहां तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलटकर ई रिक्शा से जा टकराई। खबर गाजीपुर से है, जहां पर बिजली विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया। दरअसल विभाग ने शहर के कुआ मंडी में चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान इलाके के 15 बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए। हमीरपुर से खबर है, जहां पर एक युवती ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ जहर खा लिया। इस घटना में 3 की मौत हो गई है। युवती और उसके बड़े बेटे की पहले ही मौत हो चुकी थी। छोटे बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, मगर इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। घरेलू कलह के चलते महिला ने एक कदम उठाया है। पुलिस ने 3 के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुस्करा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है।
संत कबीर नगर में सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण हटाया गया। अवैध अतिक्रमण करके बैठे व्यापारियों से रास्ता खाली कराया गया। दरअसल सदर एसडीएम शैलेश दुबे और सीओ सादर ब्रजेश सिंह मौके पर पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे हुए थे। कालीन भैया और गुड्डू भैया को मिस कर रहे फैंस के चेहरे पर खिल उठे हैं। मिर्जापुर सीजन 3 का ट्रेलर 20 जून को रिलीज हो गया। वेब सीरीज 5 जुलाई को रिलीज होगी। इस सीजन में आपको मुन्ना का किरदार देखने को नहीं मिलेगा। ट्रेलर में सभी कलाकारों ने अपनी मौजूदगी से छाप छोड़ी है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही दर्शकों के बीच इसको लेकर जबरदस्त उत्साह है। स्क्रिप्ट राइटिंग और जीवन जो है वो अज्ञात से भरा हुआ है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत है, अज्ञात। तो जो लगता है जो पहले जाएंगे वो सबसे अंत में जाते हैं। तो वो अंत आप लगता है कुर्सी लेके जाओगे? नहीं, मैंने अनप्रिडिक्टेबिलिटी की बात की, मुझे कहाँ मालूम। तो राइटर लिखेगा, बैठेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश एक क्रिएटर हैं, तो अभी तो चाहिए विष्णु आएंगे, ब्रह्मा आएंगे, बनाएंगे, स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। आपको लगता नहीं आपने इनको बचा के गलती की? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है। बाराबंकी के जमुरिया नाले की सफाई के बाद अवैध निर्माणों को हटाने का काम शुरू हो गया है। नाले पर बने अवैध निर्माण को जेसीबी से हटाया गया। एक्शन से पहले 5 लोगों को शिफ्ट भी किया गया, जबकि 4 लोगों ने खुद ही अपना पक्का अतिक्रमण हटा लिया। एसडीएम सदर, सीओ और रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स और पुलिस की मौजूदगी में यह एक्शन हुआ है। बता दें कि पिछले साल बारिश के समय बाराबंकी शहर में भीषण जलभराव हुआ था। उस समय शहर के कई मोहल्लों में 10 से 15 फीट पानी भर गया था। इसके चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इस बार जलभराव की समस्या फिर से उत्पन्न न हो, इसके लिए शहर से होकर गुजरे जमुरिया नाले की सफाई का काम करीब 1 सप्ताह से चल रहा था। सभी मकानों को चिन्हित कर लिया जो किनारे बने हुए थे। 25 मीटर जो हमारा इसका एरिया है उसको लेना है, 20 मीटर की खुदाई करनी है। हमारे पास अभी तक जो पूरा हमने जो नपाई कराई है उसके अंतर्गत 43 ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनको पूरी तरीके से सेट करना है। तो हम लोगों ने काशीराम आवास खाली करा लिए हैं, जो लोग नहीं रह रहे थे उन्हीं का खाली कराया गया है। और बाकी जो आंशिक रूप से हैं उनका, किसी का 1 मीटर जा रहा, किसी 2 मीटर, वो लोग स्वयं इस मामले में सहमत हैं कि हम 1-2 मीटर अपना गिरा लेंगे या उसी में रहेंगे, हम वहाँ सेट नहीं होंगे। कानपुर में पुलिस ने बेटे की हत्या के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मामला हनुमंत विहार इलाके का है, जहां 20 जून को एक युवक का शव खून से लथपथ मिला था। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी विवाद के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। राकेश नाम का शख्स मकान बेचना चाहता था, लेकिन उसका बेटा सुभाष किसी भी कीमत पर मकान बेचने को तैयार नहीं था। दोनों लोग अकेले थे, इनकी पत्नी और इनके जो बच्चे थे वो अपने मायके चले गए थे। उस दिन इन्होंने इस मौके को फायदा उठाकर अपने बच्चे की हत्या कर दी। इसमें दो जो नामजद अन्य अभियुक्त है जो इनके सगे भाई हैं, अभी तक जो हमारी जांच है उसमें उनका कोई विशेष रूप प्रकाश में नहीं आया है। अभी विवेचना हमारी जारी है। अगर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर ऐसी कोई चीज़ें आती हैं उसके आधार पर हम इसमें आगे भी कार्रवाई जारी। गोरखपुर में जलभराव को लेकर प्रशासन मुकम्मल तैयारियों का दावा कर रहा है। हालांकि शहर में बड़ी संख्या में सड़कों के निर्माण और नाला निर्माण के चलते कई प्रोजेक्ट अधूरे हैं। वहीं नगर आयुक्त ने दावा किया है कि शहर में मौजूद 257 नालों की सफाई कराई गई है। शहर के 80 वार्ड को 10 जोन में बांटा गया है। 384 कर्मचारियों की ड्यूटी नाला सफाई से लेकर जल निकासी तक की व्यवस्था के लिए लगाई गई है। नगर आयुक्त भले ये दावा कर रहे हों कि शहर में मौजूद 257 नालों की सफाई की गई है और इस बार जल जमाव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन उनके दावों पे सवाल उठा रही हैं वो नालियां जो अभी निर्माणाधीन हैं। शहर में बड़ी संख्या में सड़कें बन रही हैं और उनके बगल में बन रही हैं वो नालियां जिससे पानी होकर गुजरेगा। हालांकि निगम प्रशासन ये दावा कर रहा है कि उससे भी निपटने के इंतजाम उन्होंने कर रखे हैं, लेकिन अब ये वक्त बताएगा कि उनका इंतजाम भारी होता है या बारिश का पानी। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर।
रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं